Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video we will be starting with the chapter number 17 of ACCA F9 and the name of the chapter is Cost of Capital. So guys, before I start this chapter, I would want to tell you कि जो chapter है ye theoretically भी और practically भी दोनों sense में ये chapter important है. Theoretically तो इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं हैं जो तुम्हें specific learn करनी हैं, वो ज़्यादा कुछ खास चीजें नहीं हैं learning वाली. लेकिन तुम्हारे को अपने जो concepts हैं कॉन्सेप्ट जो हैं वो तुम्हारे को क्रिस्टल क्लियर करने पड़ेंगे फर्स्ट थिंग सेकेंड इसमें जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के अंदर और इसमें जो फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक के अंदर वो थोड़े से अलग तरीके के दिए होंगे अलग कैसे मतलब कि कुछ फॉर्मूले अलग तरीके से हैं कुछ फॉर्मूले अलग तरीके से हैं सॉल्यूशन भी जो है वो अलग अलग तरीके से करे हुए हैं सो व्हाट आई विल बी डूइंग जहाँ पे भी तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल पार्ट आएगा किसी भी टॉपिक का तो हर टॉपिक का मैं एक सिंपल फॉर्मूला तुम्हारे को लिखवा दूंगा तो तुम्हें क्या करना है जब भी तुम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो अपनी बुक में जहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा इस चैप्टर में हर टॉपिक के साथ वो तुम्हें लिखते चले जाना है और यू कैन ऑल्सो डू दैट कि तुम एक कॉपी ले लो और कॉपी में सारे फॉर्मूले विद हेडिंग लिख लो सो दैट आफ्टर यू फिनिश दिस चैप्टर तो सारे फॉर्मूलेस तुम एक साथ लर्न कर सको और इस चैप्टर को कर सको सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर कि अपने पास एक कॉपी और पेन रख लो कॉपी एंड पेन एंड जो भी मैं तुम्हारे को फॉर्मुल बताऊंगा हर टॉपिक के साथ वो उस कॉपी में लिखते चले जाना और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी हमें करने हैं ठीक है ठीके? चलो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर अब इस चैप्टर में है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पढ़ने के हवाले हैं देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टर्म ये शॉर्ट में हमने कहीं पे के ई -E, या डब्ल्यू ए सी सी ये बहुत बार हमने टर्म पढ़ी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सब का मतलब क्या होता है हमें इसका मतलब अब जानना है अभी तक क्या होता था जब भी कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी वगैरह कॉस्ट ऑफ डेट या ये डब्ल्यू होता था तो वो एक तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता था कि ये इतनी फिगर है इतने परसेंटेज है बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखो जैसे ये कंपनी है ठीक है ये है कंपनी कंपनी के पास जो फंडिंग आती है वो थ्री डिफरेंट तरीके से फंडिंग आती है कैसे एक तो आती है इक्विटी के थ्रू इक्विटी शेयर्स के थ्रू आई राइट इक्विटी शेयर्स एक आती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू एक आती है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मैंने प्रेफरेंस और इक्विटी को अलग क्यों लिखा है क्योंकि इक्विटी में कंपनी डिविडेंड फिक्स नहीं देती इट इज लाइक डिफरेंट और प्रेफरेंस के केस में जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है तो दोनों के केस में डिविडेंड अलग है तो मैं सोर्सेज ऑफ फंड्स का एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तीसरा हमारा होता है डेट डेट को हम डिवेंचर्स डेट को हम डिवेंचर्स भी बोल सकते हैं और एक हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग एक हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग डेट डिवेंचर और एक तरह से तुम इसको लोन भी बोल सकते हो ये चार तरीके से कंपनी के अंदर फंडिंग आती है है ना तो कंपनी को हर इन्वेस्टर को देखो चाहे इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के ओनर हैं लेकिन हम अगर कंपनी की बात करें किसकी बात करें कंपनी की तो कंपनी को तो इक्विटी शेयर्स को कुछ पैसे देने हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी कि के देने ही देने हैं बट जनरली तो देती है ना कंपनी तो कंपनी इनको कुछ क्या देती है डिविडेंड इनको भी एक तरह से क्या मिलता है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड चाहे फिक्स इंटरेस्ट पे डिविडेंड फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है बट डिविडेंड तो मिलता है इनको जो पैसे देती है वो जो भी डिबेंचर्स पे फिक्स परसेंटेज होती है वो इनको मिलता है मिलता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस और रिटेन्ड अर्निंग के केस के के में तुम कहोगे सर इसमें तो कंपनी कुछ नहीं दे रही रिटेन्ड अर्निंग के केस के में तो कंपनी कुछ नहीं दे रही रिटेन्ड अर्निंग के केस के में क्या होता है एक तरह से कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर को ग्रोथ देनी पड़ती है कि मतलब अगर तुम इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लगा रहे हो ध्यान से सुनना अगर इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो उनको डिविडेंड देना था वो तुम कंपनी में लगा रहे हो तो दे एक्सपेक्ट ग्रोथ फ्रॉम यू ये ग्रोथ होगी अब ग्रोथ का मतलब ग्रोथ एक तरह से कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी अगर रिटेन अर्निंग कंपनी बिजनेस में लगाए जा रही है कोई भी डिविडेंड नहीं बांट रही और कंपनी की ग्रोथ ही नहीं हो रही तो ये तो गुस्से में गुस्सा करेंगे ना कंपनी को कि भाई तुम पैसों को रहे हो सारे पैसे बांटो फिर हमें हम ओनर है कंपनी के हमारे को पैसे दो फिर जब तुमने यूज़ ही नहीं करने कहीं है हाँ ना तो कंपनी से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ ये सारी हमारी एक्सपेक्टेशन की बात जो रेड लाइन है, है अभी कितनी एक्सपेक्टेशन होती है तो इक्विटी शेयर वालों की फिक्स एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं है इनको पता है कि डिविडेंड क्या पता कम मिले क्या पता ज्यादा लेकिन कभी कभार मिल जाता है इनकी एक्सपेक्टेशन काफी हद तक फिक्स होती है इनकी हंड्रेड परसेंट फिक्स होती है कि हमें पैसे मिलेंगे मिलेंगे और इनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कंपनी पैसे हमें नहीं दे रही तो ग्रोथ करेगी और हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो जो ये रेड में मैंने लिखा हुआ एक्सपेक्टेशन ये कंपनी के लिए एक तरह से क्या होती है कॉस्ट दिस इज लाइक अ कॉस्ट फॉर कंपनी क्यों कंपनी को अगर पैसे आए हैं इन जगहों से तो कंपनी को इनको रिटर्न देना है तो कंपनी को इनको क्या देना है रिटर्न सो वॉट हैपन्स इस चैप्टर में मोस्टली इस चैप्टर में क्या है इसका पूरा क्रक्स मैं तुम्हें देखो यहां बता रहा हूँ क्रक्स क्या है इस चैप्टर में हमें यहाँ पे क्या निकालना है के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन परसेंटेज कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि शेयर होल्डर को कितने परसेंटेज हमें पैसे देने हैं जैसे अगर मैं बोलता हूँ तुम कहोगे सर ये परसेंटेज वो तो फिक्स नहीं होती मैं कहता हूँ फिक्स नहीं होती तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं ना कि हमें लग रहा है कि कंपनी पाँच सालों में छह सालों में इतना डिविडेंड देगी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना कंपनी की हर साल हमें इतना डिफरेंड देना पड़ेगा कम देंगे ज़्यादा देंगे शायद ऐसा हो तो फ्यूचर चार्ट बना लेती है ना फ़्यूचरिस्टिक चार्ट बना लेती है कंपनी अपनी ठीक है ना आगे की कंपनी प्लानिंग पहले कर लेती प्लानिंग के अंदर फोरकास्टिंग तो फोरकास्ट करके कंपनी ने देख लिया कि हमें यहाँ इतने डिविडेंड देने यहाँ इतने यहाँ इतने यहाँ इतने यहाँ इतने तो उससे कंपनी एक परसेंटेज एवरेज निकाल लेती है कि कितने परसेंटेज ऑन एन एवरेज हमें डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर होल्डर को वो परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसके बहुत सारे फॉर्मलेस यहाँ पे हैं जो हमें करने हैं तो मैं साथ साथ लिखता चला जाता हूँ ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना हो सो so, के ई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्विटी शेयर होल्डर को ऑन एन एवरेज हमें कितने परसेंटेज डिविडेंड देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितना डिविडेंड देते हैं उसको हम बोलते हैं के पी दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बोल दो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक ही बात है कुछ भी बोल सकते हो दैट इज के पी ऑफ ऑफ शेयर्स ठीक है और उसके बाद आता है डिबेंचर्स को विच इज कॉल्ड के डी दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट और डिबेंचर कॉस्ट ऑफ डेट और डिबेंचर ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंश एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और लास्ट आता है हमारा के आर दैट इज कॉस्ट ऑफ रिजर्व और कॉस्ट ऑफ रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग जो मैंने तुम्हें लास्ट बताया था कि अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे यूज करती है तो उसमें कितनी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी को कितना खर्चा इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को देना पड़ेगा कि चाहे उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़े या जैसे भी तो कंपनी के लिए इट्स अ कॉस्ट ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ Cost of debt and cost of ये चारों हमें इस चैप्टर में क्या करनी है कैलकुलेट ये हमें कैलकुलेट करनी है और इसके बहुत सारे फॉर्मुलेस आएंगे तो तुम्हें अब तक समझ आ चुका होगा कि हमें चैप्टर में करना क्या है कि कंपनी जो भी पैसे सोर्सेज ऑफ फंड जो भी उसके पास आते हैं उस फंड पे जो भी कंपनी को एक्सपेक्टेड रिटर्न देना है याद रखना हमारा फोकस किस पे है एक्सपेक्टेड पे ये नहीं है कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ नहीं होगी एक्सपेक्टेड कंपनी कि कितना रिटर्न देगी शेयर होल्डर को दैट इज एक्सपेक्टेड वो परसेंटेज हमें यहां पे फ्यूचर के लिए ठीक है है ये हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब यहां पे एक और छोटी सी टर्म हमारी आती है दैट इज डब्ल्यू ए सी सी विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी ध्यान से सुनना मैं इन तीनों का कर दूंगा टोटल कि कंपनी के पास टोटल इसमें ग्रोथ का अभी नहीं है अभी ग्रोथ को इन्वॉल्व नहीं करते अभी हम इन तीनों का ही देखते हैं क्या टोटल कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे दिए टोटल कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने पैसे दिए टोटल कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे दिए डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल के टोटल इक्विटी uh, की वैल्यू कितनी है टोटल प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी है टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है जो तुमने अभी तक काफ़ी बार एफ में पढ़ा होगा विच इज़ कॉल्ड कैपिटल इम्प्लॉयड ये फॉर्मुला वैसे हमने करा होगा कैपिटल इंप्लॉयड सो डब्ल्यू एस सी सी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ डेट जो भी अमाउंट हमें इनको देना है जितना डिविड इसका फॉर्मुला क्या बन जाएगा डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स प्लस डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी टोटल प्रेफरेंस टोटल डिबेंचर्स ठीक है ना इफ यू वॉन्ट आई कैन राइट दिस फॉला एज वेल यहां लिख देता हूँ छोटा सा लिख देता हूं डिविडेंड ऑन इक्विटी प्लस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है टोटल इक्विटी वैल्यू टोटल प्रेफरेंस वैल्यू टोटल डिवेंचर्स दिस इज दी काइंड kind ऑफ of जो फॉर्मुलाइज इस चैप्टर में हमें करने हैं ये तुम्हारे क्रक्स है इस चैप्टर का ठीक है तुम चाहो तो इस छोटे से पार्ट को भी कॉपी में लिख सकते हो सो दैट एट द टाइम ऑफ रिविजन तुम ये चीज देख के इस चैप्टर के काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ जाओ मैं इस चैप्टर की थ्योरी पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने तुम्हें यहीं पे सारी बता दी इसमें एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है दैट विल बी और होमवर्क के तुम्हें वो एक बार अच्छे से रीड करनी है बहुत अच्छे से रीड करनी है जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हमारा क्वेश्चन वाले पार्ट है वो तुम्हारे को सारा मैं इस चैप्टर में कराऊंगा चलो लेट्स मूव इन दिस चैप्टर एंड सी चैप्टर में क्या क्या है सो <coughs> गाइस so ये जो ओवरऑल अप्रोच है ये तुम्हें सिर्फ एक बार रीड करनी है मैं तुम्हें बता चुका हूं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है क्या ये वाला पॉइंट ये क्या कह रहे हैं टोटल डिमांडेड द टोटल रिटर्न सॉरी द टोटल रिटर्न डिमांडेड बाय इन्वेस्टर इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स के टोटल जो अमाउंट एक इन्वेस्टर डिमांड करता है कंपनी से वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पहला होता है रिस्क क्योंकि हमने रिस्क के बारे में क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा हायर रिस्क सो हायर रिवॉर्ड जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा वो रिटर्न लेने को कहेगा कि अगर रिटर्न रिस्क ज्यादा मतलब इक्विटी शेयर्स अगर मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए अगर मैं डिबेंचर्स है विच इज़ फिक्स्ड एंड विच इज सेफ तो उसमें मुझे कम इंटरेस्ट चाहिए तो रिस्क कितना ले रहा है वो और दूसरा प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के मार्केट में रिस्क फ्री रेट कितना है जैसे एक तरह से एग्जाम्पल जस्ट इसको हम बैंक रेट भी बोल सकते हैं कि बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि बैंक में इन्वेस्ट करना इज़ दी सेफेस्ट ऑप्शन अगर हमने पैसे बैंक में लगाए हैं तो हमें कोई रिस्क नहीं है ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी प्रॉफिट्स नहीं आएंगे बैंक के केस में तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा तो बैंक रेट इज काइंड ऑफ इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क फ्री रेट कि अगर हम वहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है तो कितना रिटर्न हमें मिलेगा तो जैसे इन दोनों का अगर मैं टोटल तुम्हें बताऊँ कि बैंक रेट चल रहा है लेट से सिक्स कि अगर तुम बैंक में पैसे जमा कराओगे तो मिनिमम तुम्हें सिक्स परसेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो एक तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि तुम अगर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें सिक्स परसेंट से ज़्यादा चाहिए अब वहाँ पे तीन ऑप्शंस अगर तुम डिबेंचर डेट की फॉर्म में ले रहे हो तो इट्स लाइक अ लोन विच इज सेफ तो तुम काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करोगे कि हमें एट तो मिले जस्ट एन एग्जाम्पल कि सिक्स तो रिस्क फ्री है जो बैंक दे रहा है तो अगर कंपनी में हम डेट दे रहे हैं कंपनी को लोन दे रहे हैं तो हमें इससे थोड़ा सा तो ज़्यादा चाहिए अगर हम प्रेफरेंस ले रहे हैं प्रेफरेंस प्रेफरेंस के अंदर भी हमारा रिस्क थोड़ा कम होता है बट वी एक्सपेक्ट नाइन परसेंट डिविडेंट क्योंकि रिस्क क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट्स ना हुए प्रेफरेंस के केस में क्या होता है अगर कंपनी को प्रॉफिट्स ना हुए तो हमें डिविडेंट नहीं देना लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हुए चाहे कम चाहे ज़्यादा कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नाइन परसेंट डिविडेंट देना ही देना है लॉस हाँ, के केस में नहीं देना सो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व बट ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है तो यहां पे हम इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा मांगेंगे और अगर हम लास्ट कह रहे हैं इक्विटी कि हम कंपनी की ओनरशिप में पैसे लगा रहे हैं अगर हम कंपनी की ओनरशिप में पैसे लगा रहे हैं कंपनी आर इज़ नॉट बाउंड टू पे यर्स डिविडेंड तो यहां पे इट्स अ वेरी रिस्की ऑप्शन कि कल को अगर कंपनी खराब हो गई कुछ हो गया तो हमारे तो शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी हमें डिविडेंड भी नहीं आएगा तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट हमारे को 12 टू 15 परसेंट रिटर्न आना चाहिए क्योंकि दिस इज रिस्की अगर यहीं पे रिटर्न मुझे सिक्स परसेंट आ रहा है तो मैं कहूँगा भाई इक्विटी में ना लगा के यहाँ लगाओ ना अगर एक्सपेक्टेड ही रिटर्न मेरा सिक्स परसेंट है वहाँ से तो मैं कहूँगा भाई कंपनी में पैसे लगा के फ़ायदा क्या है रिस्क भी लो रिटर्न भी बड़ा कम आएगा तो हम बैंक में पैसे लगा लेते हैं यू माइट थिंक कि सर अभी सिक्स आ रहा है बाद में भी तो ज़्यादा हो जाएगा मैंने क्या बताया हम एक्सपेक्टेड की ही बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कि आगे जाके हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आगे जाके तुम अगर सिक्स ही एक्सपेक्ट करोगे कि हर साल तुम्हें सिक्स परसेंट रिटर्न ये कंपनी देगी तो भाई फायदा क्या है तुम बैंक में पैसे जमा कर लो है ना सो दैट इज कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इन्वेस्टर का रिटर्न डिपेंड करता है ये दो फैक्टर्स हैं ठीक है बाकी एक बार थ्योरी जो है वो पढ़ लेना इसको भी एक बार पढ़ लेना कुछ खास नहीं है लेट स्टार्ट फ्रॉम हेयर दैट इज एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के ई डिडेंट वैल्यूएशन मॉडल दैट इज डी वी एम डिविडेंट वैल्युएशन मॉडल इसके तरीके से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं तो भाई इस मॉडल में हमारी जो दो एजम बेसिकली तीन एजम्शंस हैं तो सबसे पहले एजम्पन्स हम क्या मान के चलते हैं यहां पे फर्स्ट एजम्पन इन दिस फॉमूला इज डी वी एम दैट इज डिविडेंट वैल्यूएशन मॉडल की फ्यूचर इनकम स्ट्रीम इज डिविडेंड पेड आउट बाय द कंपनी ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कमाई कहां से होगी डिविडेंड जो कंपनी देगी डिविडेंड विल बी पेड इन पर पैचुटी मतलब डिविडेंड हर साल दिए जाएंगे जब तक कंपनी चल रही है यह मान के चलते हैं इस फॉमले के अकॉर्डिंग कि डिविडेंड हर साल दिए जाएंगे ऐसा नहीं है कि कंपनी पाँच साल बाद डिविडेंड नहीं देगी छः साल बाद डिविडेंड नहीं देगी या कभी डिविडेंड देगी कभी नहीं देगी ऐसा नहीं है कंपनी कहती है कि हम हर साल डिविडेंड देंगे टिल पर जब तक कंपनी चलेगी और तीसरा डिविडेंड विल बी कॉन्स्टेंट और ग्रोइंग एट अ फिक्स रेट कि जैसे कंपनी ने हर साल सोच लिया कि हर साल हम टेन सेंट डिविडेंड देंगे हर साल हमने टेन सेंट डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को या फिर हमने सोचा टेन सेंट पहले साल और हर साल लेट से फाइव परसेंट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड देते चले जाएंगे कि हमारी कंपनी के जो डिविडेंड हर साल है दैट इज टेन सेंट्स और फाइव परसेंट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड देते चले जाएंगे ठीक है तो जैसे टेन है तो इसके साथ अगले अगले में क्या हो गया दूसरे साल होगा 10.5, टेन पॉइंट फाइव फिर टेन पॉइंट फाइव का फाइव परसेंट इस तरह से हमारा डिविडेंड चलता रहा लेकिन इन पैचुटी तो ये तीन एजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं याद रखना कई बार तुम्हें ये नहीं बताया होगा कौन सा फॉर्मूला है ये तीनों चीज़ें दी होंगी तो तुम्हारी एजम्पन्न क्या होगी कि यहाँ पे हम डी मॉडल यूज करेंगे कि डिविडेंड पे कर रही है कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पर्पैचुटी तक पे कर रही है और डिविडेंड कॉन्स्टेंट पे कर रही है या फिर ग्रोइंग एट अ फिक्स रेट नॉट एरिएबल डिफरेंट रेट ग्रोइंग एट अ फिक्स रेट हर साल फिक्स रेट पर डिविडेंड ग्रो कर रहा है ठीक है तो देखो इन्होंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है पहले तुम्हें समझा देता हूँ इन्होंने क्या करा हुआ है उसके बाद में बताऊँगा जो हम फॉमूला लिखेंगे इन्होंने बताया हुआ है तो हमारी करंट शेयर प्राइस मतलब अगर हमें पी जीरो निकालना है सो पी जीरो क्या होता है आज का प्राइस सो पी ज़ीरो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो भी कंपनी डिविडेंड देगी जो भी हमें रिटर्न आ रहा है हर साल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट यही होता है ना तुमने पढ़ा होगा कि अगर इन परपैचुटी हमारे को रिटर्न आता है तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इट इज़ प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट उससे हमारा जब डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर इन्फिनी तक दिया जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ईच ईयर इससे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी यही पढ़ा था हमने यहां पे इन्होंने इसको क्या बना दिया P0 जीरो पी जीरो मीन करंट प्राइस ऑफ डिबेंचर आज का सो so P0 जीरो इज लाइक करंट प्राइस ऑफ मैट डिबेंचर बोल के सॉरी करंट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1 D1 मतलब आगे जाके कंपनी कितना डिविडेंड देगी डी जीरो नहीं डी वन मतलब एक साल बाद कंपनी कितना डिविडेंड देगी हम एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं डिवाइडेड बाय e, के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या है ये फॉर्मूला बन गया डिविडेंड फॉर में लिख देता हूँ अभी तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं लिखना तुमने डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर और के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है ये तीन चीजें हमारी इन्होंने क्या किया ये फार्मूला लिख के इसको यहां शिफ्ट कर दिया इसको यहां शिफ्ट कर दिया तुम्हारा फाइनल फार्मूला क्या बन गया फाइनल फार्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल तो तुम कॉपी में क्या लिखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमारा आंसर हो जाएगा के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो वट इज डिवन डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर कॉपी में लिख लो और पी जीरो मीन करंट प्राइस ऑफ दर से हम क्या निकालेंगे अपना के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो सारे के सारे ठीक है अब मैं बढ़ रहा हूं आगे सो so, अब मुझे कुछ नहीं देखना मैं कुछ नहीं देख रहा सीधा सीधा हम इनके टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर हमारे फॉर्मुले से आएगा ओके okay.

हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी सो के ई इज़ इक्वल टू डिविडेंड पर ईयर दैट मीन्स पॉइंट थ्री ज़ीरो डॉलर डिवाइडेड बाय डॉलर वन पॉइंट फाइव ज़ीरो सो ये कितना हो जाएगा हमारा पॉइंट थ्री ज़ीरो डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव ज़ीरो इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड भी मैं करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा ट्वेंटी परसेंट तो ये आ रहा है मेरा ज़ीरो पॉइंट टू और अगर मैं इसको इंटू हंड्रेड कर लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा इन परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल भी ट्वेंटी परसेंट और जीरो पॉइंट टू ठीक है तुम्हें याद रखना है डी में अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है विदाउट ग्रोथ अब बात आती है अगर ग्रोथ है एट अ फिक्स्ड रेट अगर हमारी ग्रोथ हो रही है एट अ फिक्स रेट तो हमारा डिविडेंड कैसे निकलेगा सॉरी डिविडेंड कह रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा सो so अब यहां पे भी इन्होंने जो हमारा पुराना होता था ग्रोथ का वो क्या होता था अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती थी सेम वही प्रेजेंट वैल्यू से इन्होंने बस घुमा फिरा के हमारे वैल्यू निकाली हुई है तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते थे जो भी हम रिटर्न देंगे पर एनम रिटर्न पर एनम वन प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय रेट माइनस जो के होता था हमारा के माइनस ग्रोथ यही करते थे इन्होंने आर ई लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने आर ही लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी और के ई वन एंड द सेम थिंग तुम तो के ई भी कह सकते हो आर भी कह सकते हो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो यही हमारा फॉर्मूला होता था नॉर्मली जब हम करते थे प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब शेयर ऑफ प्राइस प्राइस ऑफ शेयर के प्राइस का शेयर क्या होगा इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस ग्रोथ करंट ईयर का डिविडेंड प्लस जितनी ग्रोथ है तो हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर का डिविडेंड निकालना है तो फ्यूचर डिविडेंड यानी डी वन फ्यूचर डिविडेंड यानी डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ इन्होंने क्या किया देखो अब इन्होंने क्या किया इसको पूरे को यहाँ लेके सो के ई माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई पी जीरो यही करा के ई माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू डी वन माइनस पी जीरो ये करने के बाद इन्होंने ग्रोथ को यहाँ ले गए और ग्रोथ को यहाँ से माइनस कर दिया तो सेम हमारे जो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मुलेस थे वही है डिफरेंस कुछ नहीं है सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने घुमाया फिराया तो मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम बाद में ये ना बोलो कि सर ये फॉर्मुलेस तो हमें याद ही नहीं हो रहे फॉर्मुलेस कैसे बने हमें नहीं समझ आ रहा तो जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ हमेशा प्रेजेंट वैल्यू वाला चैप्टर याद करो उस चैप्टर को देख के अपना फॉर्मूला बनाओ कि ग्रोथ के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा और तुम्हें ये निकालनी है फिगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कैसे निकाल सकते हो ऐसे ठीक है मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो तुम्हारा ग्रोथ के केस में फॉर्मला क्या बन गया अब तुम ये भी लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर हम डी वी एम मॉडल यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद ग्रोथ एट अ फिक्स रेट जो हमारा फॉर्मूला होगा के ई इज इक्वल टू डी वन डैट मीन्स फ्यूचर डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो शेयर का करंट प्राइस प्लस ग्रोथ नॉट इन परसेंटेज जैसे अगर ग्रोथ टेन परसेंट है तो आई विल राइट ज़ीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है अगर ग्रोथ टेन परसेंट है तो आई विल राइट जीरो पॉइंट वन जीरो ठीक है ये तुम्हारा बन जाएगा के का फॉर्मूला विद ग्रोथ अब इसको कॉपी में लिख लो एक बार अब मैं बढ़ रहा हूं आगे चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग जल्दी जल्दी से सो so, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर टू डीवीएम विद ग्रोथ तो पहला है पी कंपनी अ डिविडेंड डिविडेंड ऑफ टेन सेंट उन्होंने अभी अभी करंट ईयर में डिविडेंड कितना पे किया टेन सेंट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट सेवन परसेंट पर ईयर के डिविडेंड हमारा सेवन परसेंट से ग्रो करेगा दैट मीनस डी वन कितना होगा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना होगा टेन सेंट्स प्लस सेवन परसेंट ऑफ टेन सेंट सो मैं इसको कैलकुलेटर पर करूंगा टेन प्लस सेवन परसेंट आई राइट टेन प्लस सेवन परसेंट इज इक्वल टू टेन पॉइंट सेवन टेन पॉइंट सेवन हो गया हमारा डी वन पीओ करंट शेयर प्राइस इज टू पॉइंट जीरो फाइव डॉलर ये डॉलर्स में है और सेंट में है. तो हमारा आ, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या निकलेगा डी वन डिवाइड बाई पी जीरो माइनस ग्रोथ सॉरी प्लस प्लस ग्रोथ होगी माइनस नहीं होगी प्लस ग्रोथ आई थिंक मैंने फॉर्मूले में एक बार याद रखना का अगर फॉर्मूले में मैंने गलती से यहाँ पे माइनस ग्रोथ कर लिया तो उसको चेंज कर देना इट इज प्लस ग्रोथ मुझे याद नहीं एक्चुअली वो ऊपर लिखा है ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला था तो के ई यहाँ पर क्या निकलेगा डी वन दैट मीन्स टेन पॉइंट सेवन सेंट्स इसको अगर मैं डॉलर में करूंगा इट इज डॉलर जीरो पॉइंट वन जीरो सेवन यही हो जाएगा डॉलर जीरो पॉइंट वन जीरो सेवन डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस विच इज डॉलर टू पॉइंट जीरो फाइव करंट शेयर प्राइस कितने प्लस ग्रोथ ग्रोथ हमारी है सेवन परसेंट दैट मीन्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट जीरो सेवन सॉरी जीरो पॉइंट जीरो सेवन सो पॉइंट वन जीरो सेवन डिवाइड बाई टू पॉइंट जीरो फाइव प्लस पॉइंट जीरो सेवन ये मेरा आता है वन टू टू इट इज़ ये मेरा आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट वन टू टू वन नाइन और आई कैन से इन टू हंड्रेड अगर मैं करूँगा इट इज़ टू टू परसेंट ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट टू टू परसेंट सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बस कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ ये और कंफ्यूज तुम्हें होना नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मुला बता दी ठीक है तो पहले मैंने डी वन निकाला ये है करंट ईयर का डिविडेंड हमें फ्यूचर का देखना है फ्यूचर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आगे कितना होगा तो आगे होगा इसमें ऐड करके दिस ये फिगर आ गई डिवाइडेड बाय हमारा करंट शेयर प्राइस कितना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है प्लस जो भी हमारी ग्रोथ थी <coughs> तो ये दो फॉर्मलेस हमारे बनते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है इसको होमवर्क में कर लेना अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा गाइस नेक्स्ट पार्ट अभी ध्यान से सुनना नेक्स्ट पार्ट इज द एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस द एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है अब गाइस जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस इसको बहुत ध्यान से समझना ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज आई कैन बट दोबारा से बोल रहा हूं बहुत 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 ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना देखो सो <coughs> so होता क्या है ध्यान से सुनना ये मैं अपना चार्ट बना रहा हूं देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है फर्स्ट जनवरी दिस इज थर्टी फर्स्ट दिसंबर और ये मैं मान के चलता हूं लेट्स लेट्स से फर्स्ट मई ठीक है कंपनी की एक हैबिट है मतलब कंपनी ने एक डेट बनाई हुई है कि फर्स्ट मे को कंपनी डिविडेंट डिक्लेयर करती है फर्स्ट मे को कंपनी हर साल फर्स्ट मे को कंपनी हर साल डिविडेंट डिक्लेयर करती है ठीक है फर्स्ट मे को कंपनी हर साल हमें डिविडेंट डिक्लेयर करती है अब पॉइंट ये है यहां कि मैं अगर एक शेयर का चार्ट बनाऊं एक शेयर प्राइस का चार्ट है देखो ध्यान से सुनना शेयर प्राइस का चार्ट है बुक में ही बना हुआ है बट मैं थोड़ा सा इजी बना के दिखा रहा हूं तो होगा क्या हमारी कंपनी का शेयर फर्स्ट जनवरी से मे के बीच में ऐसे बढ़ेगा फर्स्ट जनवरी से मे के बीच में ऐसे बढ़ेगा या अगर मैं पिछला लेके चलूँ यहां से चलो हम लेके चलते हैं फर्स्ट मे के प्रीवियस मे से ठीक है फर्स्ट या सेकेंड मे कर देता हूँ चलो सेकेंड मे के प्रीवियस सेकेंड में जब कंपनी ने पुराना डिविडेंड दिया वहाँ से लेके अब तक तो अगर फर्स्ट मई से हमारे शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ेगा फर्स्ट मई से इस मई तक हमारे शेयर का प्राइस ऐसे जाएगा फिर दोबारा यहाँ पे डाउन हो जाएगा फिर दोबारा शेयर का प्राइस ऐसे बढ़ेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिविडेंड यहाँ पे हमारे शेयर का जो प्राइस है इट विल इंक्रीज़ इंक्रीज़ क्यों होगा लॉजिक लगाओ ध्यान से सुनना अगर मैं डॉलर्स में बात करूँ मेरा जो शेयर है वो टेन डॉलर्स का है मेरा जो शेयर है वो कितने का टेन डॉलर्स का और मुझे पता है या चलो टेन नहीं मैं इसको हंड्रेड डॉलर बोलता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है बहुत बड़ा शेयर है इसका और मुझे पता है कि हम जो कंपनी डिविडेंड देती है वो हर साल डिविडेंड देती है लेट से ट्वेल्व परसेंट कि हर साल कंपनी ट्वेल्व परसेंट डिविडेंड एक्सपेक्टेड है जो देती है. तो ध्यान से सुनना का बहुत ध्यान से ठीक है so, सो यहाँ पे मेरे शेयर का प्राइस कितना था हंड्रेड डॉलर्स यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड कितना देना है 12% परसेंट ऑफ 100 डॉलर्स दैट मीन्स हमें यहाँ पे 12 डॉलर्स का डिविडेंड मिलना है तो अगर मैं एक बात करूँ बहुत सिंपल सी बात कि इस डेट को लेट्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फेबररी को हमारा शेयर प्राइस कितना होना चाहिए नॉट uh, uh, मतलब एग्जैक्ट बट एवरेज शेयर प्राइस फर्स्ट फेबररी को कितना होना चाहिए तुम बोलोगे कि सर शेयर प्राइस है हंड्रेड हमें डिविडेंड यहाँ पे आएगा ट्वेल्व अभी तो डिविडेंड डिविडेंट नहीं आया नहीं है तो शेयर का प्राइस तो हंड्रेड ही रहेगा शेयर के प्राइस में क्यों चेंज आएगा शेयर के प्राइस में चेंज क्यों आना चाहिए कि सर डिविडेंड ही मिलना है और क्या मैं बोलूँगा कि शेयर प्राइस में चेंज आना चाहिए क्यों ध्यान से सुनो मेरे पास हंड्रेड डॉलर का शेयर था मुझे पता है कि मे में मुझे ट्वेल्व डॉलर आने ध्यान से सुना मे में मुझे ट्वेल्व डॉलर आने <coughs> तो अगर मैंने शेयर यहाँ तक होल्ड किया है दैट मीन्स इतना डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए अगर मैंने शेयर फर्स्ट फेबररी तक होल्ड करा है और मुझे पता है कि अगर ये शेयर मैं फर्स्ट मे तक होल्ड करूंगा तो मेरे को ट्वेल्व डॉलर डिविडेंट आएगा तो मैंने ये शेयर सेकेंड में पिछले साल से लेके इस साल फर्स्ट फेबररी तक होल्ड करा है तो यहाँ का जो डिविडेंड मेरा बनता है वो तो मुझे मिलना चाहिए ना क्यों क्यों अगर कोई दूसरा बंदा शेयर हंड्रेड डॉलर का बाय करता है फर्स्ट फेबररी को उसको तो बैठे बैठा फेब मार्च अप्रैल तीन महीने के बाद ही उसको ट्वेल्व रिटर्न मिल जाएगा विच इज़ रॉन्ग तो शेयर होल्डर क्या कहेगा वो ये बोलेगा कि मैंने इस शेयर को पिछले साल से इस साल फर्स्ट फेबर तक होल्ड किया हुआ है तो इस टाइम का डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए सो so, कितना डिविडेंड मिलना चाहिए ट्वेल्व परसेंट ऑफ हंड्रेड इज ट्वेल्व डॉलर यह पूरे साल का इंटरेस्ट है डिविडेंड है इन टू सेकेंड मई से लेके फर्स्ट फेबर मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी दैट मीन्स नाइन मंथ्स का वो कह रहे हैं मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व सो नाइन तो डॉ शेयर का प्राइस कितना हो गया वन जीरो नाइन तो इस डेट को जो बुक में हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जो शेयर का प्राइस होगा वो क्या होगा वन जीरो नाइन ठीक है अब तुम कहोगे कि सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है शेयर का प्राइस वन जीरो नाइन हो कुछ हो हमें क्या फर्क पड़ता है डिविडेंड हमें पता है शेयर प्राइस हमें पता है डिविडेंड हमें पता है शेयर प्राइस हमें पता है हम इजीली अपना के ही निकाल लेंगे ये तो सही बात है डिविडेंड हमें पता है शेयर प्राइस पता है के ही निकाल लेंगे लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं गिवन ये प्राइस ही नहीं पता हंड्रेड तुम्हें बोला गया है कि फर्स्ट मे को कंपनी ने डिविडेंड देना है ट्वेल्व डॉलर फर्स्ट फेब्ररी को कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस डेट का जो शेयर प्राइस है दैट इज वन जीरो नाइन तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा केई कितना आएगा अब यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुम्हें इस डेट का शेयर प्राइस पता है तो तुम्हें हमेशा जो शेयर प्राइस लेना है वो लेना है एक्स डिविडेंड एक्स डिविडेंट मतलब डिविडेंड हटा के तो अगर हमें मान लो ये दिया हुआ है कि सेकेंड मे को या इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें इस मे को हमारा जो शेयर प्राइस था वो था हंड्रेड डॉलर तुम्हें तीन शेयर दिए हुए हैं तीन वैल्यूज दी हुई है क्या फर्स्ट फेब्रवरी को शेयर प्राइस था वन जीरो नाइन डॉलर फर्स्ट मे को कंपनी ने डिविडेंड दिया ट्वेल्व और फर्स्ट मे को आफ्टर डिविडेंड कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो कितना था हंड्रेड डॉलर सो कौन सा प्राइस हम लेंगे शेयर्स का हंड्रेड डॉलर विच इज़ एक्स डिविडेंड के डिविडेंड जिस दिन दिया डिविडेंड जो ट्वेल्व डॉलर था दिया वो दे के शेयर का प्राइस दोबारा अपने एक्चुअल अमाउंट पे आ गया जितना जितना हमारा टाइम बीतता जा रहा है नेक्स्ट डिविडेंड तक हमारा शेयर प्राइस बढ़ता चला जाता है मैंने जैसे बताया क्योंकि जो पर्सन के पास शेयर्स हैं वो हमेशा शेयर्स महंगे सेल करेगा ये बोल के कि भाई मुझे तो डिविडेंड मिल रहा है इतने टाइम तक मैंने ये चीज़ को होल्ड रखा तो डिविडेंड भी तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट इस पार्ट का तो मिलना चाहिए ना तो तीन महीने के लिए होल्ड कर ले तेरे को तीन डॉलर का डिविडेंड मिल जाएगा तेरे को भी तो तीन डॉलर का डिवरेंड मिले ना क्योंकि तीन महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं सो दिस इज दी कॉन्सेप्ट हेयर हमें निकालना होता है एक्स प्राइस डिविडेंड कि विदाउट एडिंग द डिविडेंड इफेक्ट ऑन द शेयर वैल्यू हमारे शेयर का जो प्राइस होगा वो हमें क्वेश्चन में यूज करना है तो जो हमारा पी जीरो है शेयर प्राइस इट इज़ एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस हमें डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करना तो फॉर्मुला क्या होगा पी जीरो का हमारा कि कम डिविडेंड शेयर प्राइस अगर हमें दिया हुआ है माइनस डिविडेंड डी तो यहां पे हम कैसे करेंगे कम डिविडेंड शेयर प्राइस माइनस डिविडेंड ड्यू के कम डिविडेंड शेयर प्राइस हमें दिया हुआ है डिविडेंड ड्यू तक तक कितना डिविडेंड ड्यू हुआ है यहां तक कितना डिविडेंड ड्यू हुआ? हुआ है तो ट्वेल्व परसेंट है पूरे साल का इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व दैट मीन्स यहां तक नाइन एक तरह से डिविडेंड ड्यू हो गया है हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कंपनी इसको भी इतना अमाउंट देगी डिविडेंड का नहीं इसको नहीं मिलेगा जिसने इस डेट को शेयर होल्ड हुए, उसको डिविडेंड मिल जाएगा लेकिन एक तरह से इस पीरियड के लिए डिविडेंड so, तो तो याद रखना है तो कम डिविडेंड शेयर प्राइस माइनस ड्यू डिविडेंड ड्यू मतलब जो हमारे को डेट गिवन है उस डेट तक कितना डिविडेंड बनता है तो यहां तुम देख सकते हो जिस डेट का या प्रोरेटेड डिविडेंट ऐसे प्रपोशनल डिविडेंट चलो मैं और इजी लैंग्वेज में लिख लेता हूं प्रोपोर्शनेट डिविडेंट टिल डेट ऑफ शेयर प्राइस कि प्रोपोर्शनेट डिविडेंट टिल डेट ऑफ शेयर प्राइस कि शेयर प्राइस की डेट तक हमारा प्रोपोर्शनेट डिविडेंट कितना बनता है फ्रॉम लास्ट डिविडेंड डेट के लास्ट डिविडेंड डेट से लेके जिस डेट तक का मुझे शेयर प्राइस गिवन है उस डेट तक प्रपोर्शनेट डिविडेंड कितना बनता है वो मैं इस डेट के कम डिविडेंड शेयर प्राइस में से माइनस कर दूंगा और मेरा एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस आ जाएगा ठीक है गाइज बहुत इजी है बहुत इजी है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा अब सीधा सीधा इसके दो क्वेश्चंस करते हैं और आज की क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हैक्टिक हो जाए नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे को नेक्स्ट टॉपिक से करूंगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर फोर चलो जल्दी से करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है द करंट शेयर प्राइस इज वन सेंट करंट शेयर प्राइस अ डिविडेंट ऑफ एट सेंट इज ड्यू टू बी पेड शॉर्टली एट सेंट हमें डिविडेंट देना है तो हमें एक्स शेयर प्राइस निकालना है वन फोर्टी माइनस एट वन थर्टी टू यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें क्या है कुछ भी नहीं है तो पी जीरो दैट मीन करंट शेयर प्राइस एक्स डिट नंबर फाइव जल्दी से डी कंपनी इज अबाउट टू पे अ डिविडेंड ऑफ फिफ्टीन सेंट द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स डिविडेंड टू ग्रो एट सिक्स परसेंट पर ईयर द कंपनी करंट शेयर प्राइस इज वन पॉइंट टू फाइव देखो डी डी कंपनी देना है शेयर होल्डर एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो एट सिक्स परसेंट पर ईयर सो देखो भाई इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला हुआ सी डी कंपनी कंपनी एक तरह से के चल रहा हूँ कि बस डिविडेंट देने ही वाली है फिफ्टीन सेंट का ठीक है करंट शेयर प्राइस इज वन पॉइंट टू फाइव के अभी डिविडेंड दिया नहीं है डिविडेंट देने से पहले शेयर प्राइस इज वन पॉइंट टू फाइव दैट मीन्स दिस इज़ कम डिविडेंट शेयर प्राइस हमें निकालना है एक्स डिविडेंट सो वन पॉइंट टू फाइव डॉलर माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट वन जीरो डॉलर यह आ गया हमारा करंट शेयर प्राइस हमें हमेशा क्या निकालना होता है गाइस करंट शेयर प्राइस तो करंट शेयर प्राइस हमारा ऐसे आएगा कैसे कि कम डिविडेंट प्राइस यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं कि डिविडेंट किस डेट को दिया हुआ है और शेयर प्राइस किस डेट का है जब कुछ नहीं मैंशन तो इस वर्ड से इस लाइन से इन तीन वर्ड से हमें समझ आया कि कंपनी बस डिविडेंट देने ही वाली है सो so, देने ही वाली है दैट मीनस ये हम जो प्राइस है ये डिविडेंट मिला के दिया हुआ है हमें तुमने डिविडेंट हटा दिया ये है हमारा कम डिविडेंट शेयर प्राइस ग्रोथ है सिक्स परसेंट ओके सो कंपनी डिविडेंट कितना देने वाली है फिफ्टीन सेंट हमें ग्रोथ निकालनी है सिक्स तो डी वन हमारा क्या आएगा डिविडेंट प्लस ग्रोथ जीरो पॉइंट या प्लस सिक्स परसेंट तो फिफ्टीन प्लस सिक्स परसेंट इट इज फिफ्टीन पॉइंट नाइन तो इट इज फिफ्टीन पॉइंट नाइन सो इट इज एक तरह से हमारा वन फाइव फिफ्टीन पॉइंट नाइन ये हमारा आ गया डी वन सो डी वन जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन डिवाइड बाय एक्स डिविडेंट शेयर प्राइस वन पॉइंट वन जीरो प्लस ग्रोथ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो पॉइंट वन फाइव नाइन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन जीरो प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हंड्रेड सो ये आ रहा है ट्वेंटी पॉइंट फोर फाइव या ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो परसेंट सो जो मेरी फिगर आएगी इट इज पॉइंट जीरो टू फाइव जीरो टू फोर ये आ रही है 204545 तो I can say 205, तो आई कैन से 205 20.5 इज माय टू जीरो फोर कॉस्ट ऑफ फाइव से टू यहां से तुम्हारा आंसर आएगा ये तो मैंने इसमें इन टू हंड्रेड कर लिया तो मेरा आ गया ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट अब कभी कभार सॉल्यूशन अगर हमारे को आगे इन परसेंटेज लिखा हुआ है तो हमें ये निकाल लें परसेंटेज नहीं लिखा हुआ तो हमें 0.205 हम ये भी लिख सकते हैं डिपेंड करते हैं डिपेंड करते हैं हमें लिखा हुआ कि प्रोवाइड योर आंसर इज इन आंसर इन परसेंटेज इट विल बी रिटर्न और अगर कुछ नहीं गिवन तो तुम घबराना मत कई बच्चे सोच रहे होंगे कि, कि सर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ और हमने पॉइंट लिख दिया तो क्या ये सही होगा ये भी सही होगा और ट्वेंटी तुम्हारा ये भी सही होगा और अगर तुमने ट्वेंटी कर दिया तो ये भी सही होगा और पॉइंट टू जीरो फोर फाइव ये कर दिया तो ये भी सही होगा डजेंट मैटर ए सी सी वालों ने ये ऑप्शन डाले होते हैं कि एक रेंज मैं एक वीडियो में बता चुका कि ए सी सी वाले एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं जिसके अंदर तुम्हारा आंसर आएगा ठीक है सिंपल है यहाँ तक इस चैप्टर की जो भी थ्योरी मैंने बताई है उसको एक बार थॉरली पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो वर्ड टू वर्ड ताकि हर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं वो दोबारा कर लेना और अपनी कॉपी में जो मैंने दो फॉर्मुलेज बताए हैं तीन फॉर्मूलेस एक तो शेयर्स का है इसका तो चलो बुक में लिखा ही हुआ था एक्स और कम डिविडेंट शेयर प्राइस और डिविडेंट विदाउट ग्रोथ डिविडेंट विद ग्रोथ ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से लर्न कर लेना ठीक है इस चलो Bye guys, take care and have a great time.